हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट था कि अब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, अब हमें स्टडी कैसे करनी है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गए, अब हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, अब हम अपने स्टडी को कैसे स्टार्ट करें कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को लगता है नर्सिंग कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ लेते हैं और जो उनका मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो मेन उनको टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से वो मार्क्स कम स्कोर करते हैं, उनको इस बात का बाद में रिग्रेट रहता है। बट कुछ स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जो बिल्कुल स्टडी ही नहीं करते, उनको लगता है नर्सिंग ईजी है, हम उसको वन डे एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट्स, बट थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, डेडिकेशन तो होनी ही चाहिए आपके पास। बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं, आपका स्टडी पैटर्न कैसा है। अब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए मत, आप अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स आपको टारगेट कर दिए गए हैं, जितने भी आपको उसमें मेंशन कर रखे हैं, वो आपको क्लियरली होने चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम डिफिकल्ट नहीं होता और ना ईजी होता है। जैसे आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए होंगे 10th और 12th के, वो मॉडरेट लेवल का होता है, वैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता, वैसे ही आपको मिल जाएगा आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, वो मॉडरेट लेवल का होता है। बट आपको सबसे बड़ा ध्यान इस बात का देना होगा कि आप उसमें कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल, आपके 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे, वो कुछ स्टूडेंट्स उसमें 2 पेज का लिखेंगे, अगर उसमें सफिशियंट कंटेंट है तो वो 2 पेज में आपको नंबर मिल जाएगा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के। अगर आपने 4 पेज भरा उसमें कंटेंट नहीं है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस सब चीज़ों पर डिफरेंस होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब आप स्टडी करिए तो इतनी डीप हिम्मत करिए, इतनी सुपरफिशियल भी मत करिए कि अगर शॉर्ट में आ रहा है तो आप नहीं लिख पा रहे, लॉन्ग में आ रहा है तो आप उसमें फालतू चीज़ें लिख रहे हैं। मेन आपसे अगर पूछा जा रहा है उतने ही कंटेंट दीजिए, क्योंकि आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा। अब आपको स्टार्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने सब आप कुछ आपको दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बताऊँ कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका 1 दिन एग्जाम होगा, 3 घंटे में 2 सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा सफली लगती है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन दोनों का भी एग्ज़ाम आपका 1 दिन होगा, इन दोनों को भी अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों में बहुत ही ज़्यादा लिखना होता है। हमारे जिस हिसाब से सोशल साइंस होती है उस हिसाब से हमारी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, हमें लिखना बहुत कुछ होता है और 3 घंटे में 2 को अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट ये सब पॉसिबल आपकी प्रैक्टिस है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको 3 घंटे में 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है तो अपना इक्वल टाइम दीजिएगा। 1 सब्जेक्ट पर 1.5 घंटा दीजिए, उसी 1.5 घंटे में आपको 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अगर मैं बात करूँ, पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है, इसका मतलब 1 सब्जेक्ट आपका 37 का होगा, 1 सब्जेक्ट आपका 38 का होगा। सेम एज आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी होता है, सप्ली बहुत ज़्यादा लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में कम कम लिखेंगे, नहीं, कंटेंट के हिसाब से लिखेंगे। प्रैक्टिस आपकी होगी अच्छी तो आप अच्छे से लिख भी लेंगे। हम पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते तो आप भी इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आपको माइंडसेट होना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्स बता दिया कि आपके 1 दिन में 2 एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उनका मार्क्स के अकॉर्डिंग बता दिया, और मैंने एक की पॉइंट आपको बताया कि आपको 1.5 घंटे 1.5 आवर में 1 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। अगर 1.5 आवर में आप अगर 1 सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट करें तो आपका दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, आप उसमें ऑलरेडी फेल हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं आता तो उससे रिलेटेड कुछ लिखिए, क्योंकि आप जब कुछ पढ़ेंगे तो आप कुछ लिख भी सकेंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ लिखिएगा, छोड़ना नहीं है। ये सब की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले मैं ज़रूर बताऊंगी, जिससे आप क्लियरिफाई कर पाएंगे एग्जाम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपको सपनी नहीं लगेगी, बट हाँ, नोट्स जैसे मैं प्रोवाइड करूँगी उसको रीड आउट करिएगा, उसी को आप लर्न करेंगे ना, आपका अच्छे से हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर। आपको सेकेंड किस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपका अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम 6 महीने बाद होता है। तो अगर आप अगस्त से 6 महीने बाद देखेंगे तो आपका जनवरी में एग्ज़ाम होगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट मेन आपको 4 ही पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। इनकी क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। मैं डेली 1 चैप्टर के नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी, डेली 1 चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट आप उस कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसके पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, इसलिए क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो आपके लिए इजीली हो जाए। मेरे नोट्स इंग्लिश में होंगे बट मैं उनको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो केस क्राइटेरिया बना है वो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से उनको लगेगा इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, हम क्या पढ़े कैसे पढ़े, इसीलिए वो एकदम से बुक पे ना जाके पहले नोट्स पढ़ें।
तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से पहले नोट्स पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। मैंने आप सभी को बता दिया आपके एग्जाम जनवरी में होंगे, आपके पास बहुत समय है, आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अपने सबसे पहले बुक्स को उठाइए, बुक्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स अगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपको अगर सफिशिएंट लग रहा है या फिर सुटेबल आपके लिए तो आप उससे भी ले सकते हैं कंटेंट, या फिर और भी अदर यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। अगर आपको जो सफिशिएंट लगे उससे आप अपना कंटेंट लीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स ही काम आते हैं एग्जाम से पहले, और उसको रिवाइज करते रहिए। और प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिटन वर्क करिए, क्योंकि अब जब आपकी स्पीड होगी ना तो आपका एग्ज़ाम छूटेगा नहीं। ये सारे की पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले बताऊंगी कि एग्ज़ाम्स को कितनी स्मार्टली करना है कि लोगों से अच्छा हो और आपका बेस्ट हो, सपली भी ना लगे और सब अच्छे से हो जाए। ये सब क्लैरिफिकेशन है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। और सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि नोट्स कब से मैं प्रोवाइड करूँगी, तो डिया मेरा क्लिनिकल चल रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चलती हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में एक चैप्टर की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। ये शेड्यूल मेरा कल से स्टार्ट होगा, मंडे से मैं डेली वन चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद नोट्स आपके साथ प्रोवाइड करूँगी वीडियो। और उसमें मैं कोशिश करूँगी जितने भी आपके रिलेटेड डाउट्स हैं जो मुझे आए थे, क्योंकि मेरा कोई सीनियर नहीं है, मेरा फर्स्ट बैच है, जितने भी मुझे डाउट्स हैं, जितने भी मुझे सरकमस्टांसेस हैं, मैं सोचूंगी कि आप सभी को ना आए, वो सारी क्लेरिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, ओरिएंटेशन कैसी होनी है, रिपोर्टिंग कैसी होती है, एप्लीकेशन कैसी होती है, और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। टेस्ट में तो हमें कैसे लिखना है, अगर एग्जाम है तो कैसे लिखना है, सेशनल एग्जाम कैसा है तो हमें कैसे लिखना है। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं फुल्ली नॉलेज आपको दे सकती हूँ कि आप कैसे करें कि अपना उसमें बेस्ट करें, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे बहुत ही कम टाइम में। इन सभी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फर्स्ट सेमेस्टर वीडियो के लिए वेट करिए, आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। होपफुली आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट बीएससी नर्सिंग का पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।